हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ संध्या और आज हम लोग करने वाले हैं कोच्ची से कुडेकनाल की रोड ट्रिप। और ये डिस्टेंस हमें कवर करने में अराउंड 7 से 7.5 घंटे लगेंगे। कोच्ची से कुडेकनाल जाने के लिए आप थ्रू मुन्नार जा सकते हैं। यहाँ पर आपको घाट ज़्यादा पड़ेंगे, सो हम लोग ये रूट नहीं चूज़ कर रहे हैं। दूसरा रूट रहेगा थ्रू त्रिशूर, पालक्काड एंड पोल्लाची, और ये रूट ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी हम लोग कोच्ची में ही हैं, जस्ट निकले ही हैं एंड एडप्पली पहुँचे अभी तक। और यहाँ पर श्री अभिरामी फैमिली रेस्टोरेंट हमें दिख गया है, तो यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में हमने पहले मंगाया है एक घी रोस्ट, प्राइजेज आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। एंड ये है एक प्लेट इडली, एक प्लेट में आपको 3 इडलीज मिल जाएंगे और 3 चटनी और सांभार के साथ ये सर्व हुई है। ऑल्सो पोंगल मंगाया है, ये भी सेम चटनी एंड सांभार के साथ सर्व हुई है, और 2 वड़ा भी मंगाया है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी इडली एकदम गर्मा गर्म सर्व हुई है और काफ़ी सॉफ्ट भी थी, एंड चटनीज़ के साथ इसकी टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया थी। तीनों अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ चटनीज़ थी एंड ऑल्सो सांभार भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, एंड घी रोस्ट में घी की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है। मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगी ये रेस्टोरेंट। यहाँ पर पार्किंग स्पेस भी है और स्टाफ भी काफ़ी अच्छी है। अब मैं अपनी फेवरेट पोंगल ट्राई करूँगी वाइट चटनी के साथ। यूजली मुझे वाइट चटनी के साथ पोंगल बहुत ज़्यादा पसंद आती है, सो यस लेट्स ट्राई। और इसकी टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया थी, बहुत मज़ा आ गया। और पहली बार मैं पोंगल को सांभार के साथ भी ट्राई करने वाली, बिकॉज इन्होंने सांभार और 3 तरीके की चटनी दी हुई है। और जैसे ही मैंने सांभार के साथ ट्राई किया, इट वेंट टू द नेक्स्ट लेवल। और अब मैंने डिसाइड कर लिया कि पोंगल के साथ चटनी और सांभार दोनों ही होनी चाहिए। और इसमें जो ब्लैक पेपर्स मुँह में आपको कटिंग है ना, बहुत ही बढ़िया लगेगा। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पर। ब्रेकफास्ट के बाद हमने आधा घंटा और कवर किया और अभी हम लोग पहुँचे हैं कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले एरिया पर। मेरी राइट साइड में अगर आप 5 किलोमीटर अंदर जाओगे तो एयरपोर्ट आ जाएगा, लेकिन हमें जाना है सीधे, बिकॉज हमें जाना है कुडेकनाल। और आज ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बिकॉज हम लोग 8 बजे निकले थे, फिर भी अभी तक यहीं पर पहुँचे हैं। कोच्ची अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर पूरे रोड पर, वीकेंड है और अभी 9:30 हो चुका है, फिर भी हम कोच्ची के अंदर ही है, सिटी में ही, और बार बार रुकना पड़ रहा है। लाइक बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं रोड पर, वीकेंड है, सब कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। सो इस जर्नी का सबसे पहला टोल गेट आ रहा है अभी, एंड यहाँ पर 90 रुपीज़ कट होने वाले हैं फॉर कार। एंड ऑल्सो मैं जो भी एंटायर जर्नी की टोल प्राइस है वो अभी मैं स्क्रीन में डिस्प्ले करके दिखा दूँगी, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको इस एंटायर जर्नी में कितना टोल प्राइस लगने वाला है। सो यस, यहाँ पर 90 है एंड जो टोटल प्राइस है एंटायर जर्नी की फ्रॉम कोच्ची टू कुडेकनाल आपके स्क्रीन पर है। इस टोल गेट से त्रिशूर सिटी इज़ जस्ट 9 किलोमीटर्स, तो ऑलमोस्ट हम लोग त्रिशूर के आउटस्कर्ट में है। त्रिशूर के अंदर तो हम लोग एंटर नहीं करेंगे, इसी हाईवे से निकल जाएंगे आगे। एंड यस लेट्स गो अहेड। अब तक तो हमें काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स भी दिखाई दिए, तो आपको फ्यूल की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस रूट में काफ़ी सारे आपको पेट्रोल पंप्स मिल जाएंगे। ऑल्सो अभी तक रोड कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छी वाइड रोड्स मिल गई है टोल गेट के बाद से। एंड ऑल्सो रोड भी काफ़ी क्लियर अप हो गया है, टोल गेट से पहले तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, बट आफ्टर द टोल गेट थोड़ा सा हम लोग स्पीड पिकअप कर पाए हैं। एंड यस, दोनों तरफ ग्रीनरी भी है, केरला है तो ग्रीनरी तो रहेंगी, और बहुत ज़्यादा सुंदर सी ड्राइव हो रही है। अब मज़ा आ रहा है रोड ट्रिप में, बिकॉज अभी तक ट्रैफिक थी तो मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा था, बट अब फाइनली वी स्टार्टेड एन्जॉइंग। और यस, यहाँ के रोड में आपको काफ़ी सारे स्पीड कैमराज भी दिखने को मिलेंगे, एंड रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही सीनरिक ड्राइव है, बहुत मज़ा आ रहा है रोड ट्रिप में। कोच्ची टू त्रिशूर पालक्काड वाले रोड में आपको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स लाइक सरवण भवन, आर्यास होटल और इंडियन कॉफ़ी हाउस, ये सारे ही रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे रोड साइड में। एंड यस, तो खाने पीने की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग त्रिशूर के कुत्तिरान टनल के पास पहुँचे हैं, एंड यहाँ पर आप देखिएगा कुछ काम चल रहा है। सो जो ऑपोजिट टनल से जो भी गाड़ियाँ आ रही है उनको डाइवर्ट किया जा रहा है हमारे रोड पर। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्लो जाना पड़ रहा है, बिकॉज रोड को हाफ कर दिया है, तो ओनली एक ही लेन है इस तरफ की गाड़ियों के लिए। एंड यस, अभी हम लोग टनल के अंदर जा रहे हैं। वाह, टनल, टनल, टनल।
टनल के बाद ग्रीनरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे सामने माउंटेन्स है, मेरे राइट साइड में येलो येलो फ्लावर्स है, और मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हॉट चिप्स मिल रहे हैं। तो अगर आप बनाना चिप्स या हलवा कुछ लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर है। टनल से 8 किलोमीटर आगे हम लोग आ गए हैं एंड यहाँ पर हमारा अगला टोल गेट आ गया है। ये टोल प्लाज़ा का नाम है पनियनकरा टोल प्लाज़ा, और यहाँ पर हमें 110 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी कार के लिए। सो यस, पे करते हैं और आगे निकलते हैं। टोल प्लाज़ा के जस्ट आगे इतने सारे हॉट चिप्स के स्टॉल्स थे जितना हमने पहले देखा था टनल के आगे, उससे भी काफ़ी सारे और बड़े बड़े यहाँ पर स्टॉल्स दिख रहे थे चिप्स एंड हलवा के। तो हमने सोचा कि चिप्स लेने का तो भी मन नहीं है, बिकॉज़ हम कुच्ची में ही रहते हैं तो कभी भी खा सकते हैं अच्छे अच्छे चिप्स, बट यहाँ पर रुक कर एक कप चाय पी लेंगे। SR हॉट चिप्स नाम के इस शॉप के सामने हम लोग रुक गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा पार्किंग स्पेस है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करके एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, चाय ब्रेक हो या फिर अगर आपको चिप्स या हलवा कुछ लेना हो तो भी आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्नैक्स थे, जैसे कि बनाना चिप्स हो गया, टैपियोको चिप्स हो गया, और भी बहुत सारे केरला के जो ट्रेडिशनल चिप्स एंड स्नैक आइटम्स होते हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिल जा रही थी, एंड कोकोनट ऑयल वगैरह भी यहाँ पर मिल जा रही थी। तो काफ़ी अच्छी शॉप लगी मुझे, और आसपास के शॉप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो आप जहां से भी कुछ परचेज करना चाहते हो ले सकते हो। और यहां पर गर्मा गर्म चिप्स भी बन रही थी, सो एकदम आपको फ्रेश चिप्स मिलने वाली है यहां पर। जर्नी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहां पर आप देखिएगा रोड अभी भी काफ़ी अच्छी रोड मिल रही है, कहीं पर भी हमें बैड रोड नहीं मिली, और स्पीड कैमरास बहुत सारे हैं इस रूट में। एंड ऑल्सो अगर आप मुन्नार वाले रूट पकड़ के जाते हैं तो आपको इससे ज़्यादा सीनरिक व्यू मिलती, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा नैरो रोड्स हो जाती, और ऑल्सो ना जिनको मोशन सिकनेस की दिक्कत हो तो उनके लिए वो रोड बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। सो आई वुड एनी टाइम प्रेफर दिस रूट। ये भी काफ़ी सीनरिक है, लेकिन वो मुन्नार वाला रूट है तो वाटरफॉल्स के साथ अलग ही वाइब हो जाती है, तो अगर आप वो चूज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके साथ कोई मोशन सिकनेस वाला ट्रैवल कर रहा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू टेक दिस रूट, क्योंकि ड्यूरेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों ही रूट में आपको 7-7.5 घंटे ही लगेंगे कोडिकनाल पहुंचने में कुछ चीज़ से, लेकिन दिस आई एम टेलिंग विदाउट एनी हॉल्ट। लेकिन आप ऑब्वियसली अपने रूट में लंच के लिए रुकोगे, ब्रेकफास्ट के लिए रुकोगे, तो 1-2 घंटा थोड़ा सा ऐड करके ही आप समझिएगा इस रूट पे आपको लगने वाला है। एंड इस रूट में आपको ईजिली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपको मुन्नार रूट में इतना इजीली नहीं मिलेगा। सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि ये रूट सबसे ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हम लोग ऑलमोस्ट अभी पालक्काड पहुंच गए हैं, हमें ये सर्विस रोड लेनी है ताकि हम आगे जाके एक राइट टर्न ले पाए। एंड हम लोग पालक्काड सिटी के अंदर एंटर नहीं होने वाले हैं, बस बाईपास करके निकल जाएंगे। सर्विस रोड लेकर हम लोग पहुंच गए हैं पालक्काड के चंद्रा नगर जंक्शन। तो अगर यहाँ से हम लोग राइट लेंगे तो हम लोग पुल्लाची तमिलनाडु के टूवर्ड्स जाएंगे, और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो आप पालक्काड सिटी के अंदर एंटर हो जाओगे। तो हमें यहाँ से राइट लेना है बिकॉज हमें जाना है टूवर्ड्स पुल्लाची। केरला के रोड्स में काफ़ी सारे बाइकर्स को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा रफ चलाते हुए, तो जैसे ये हमारे सामने से कट मार के गए ये जो दो लोग आगे हैं बाइक में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे पैशनेट बाइकर्स होते हैं केरला में, बट पैशन के चक्कर में वो कब उस लाइन को क्रॉस करके रैश ड्राइविंग तक पहुँच जाते हैं दे हैव नो आइडिया, एंड इट कैन बी वेरी डेंजरस स्पेशली व्हेन यू आर इन टू व्हीलर्स। आपको और ज़्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट इज़ देयर, सो आप भी ध्यान रखिएगा यहाँ के रोड्स पर। एंड अभी 4 hours 35 minutes लगने वाला है एज पर द मैप, 4 hours 35 minutes, एंड इट्स गोना टेक अस सॉरी इट्स गोना टेक अस 4 hours 35 minutes, एंड हम लोग अराउंड 4 बजे तक कोडैकनाल पहुँच जाएंगे एज पर द मैप। लेकिन हम लोग थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लेंगे बीच में, लंच ब्रेक होगा, फिर चाय वाय पियेंगे, सो आधा एक घंटा एक्स्ट्रा मान के चलिए। तो चंद्रा नगर पालक्काड के टर्न के बाद थोड़ी सी रोड सिंगल लेन की रोड हो जाती है, अराउंड 40 किलोमीटर्स ऐसे आपको जाना पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, बट देन यस सिंगल लेन है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ से गाड़ी रहेगी, सो दैट इज़ देयर।
अदरवाइज इट्स ऑल गुड. सो दिस इज पालक्काड पोल्लाची रोड. लंच तक आई एम अज्यूमिंग कि हम लोग पोल्लाची में कर पाएंगे बिकॉज अभी 11:30 हुआ है एंड हम ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से किया था सो एकदम पेट फुल है. सो अराउंड 2:30 हम लोग जहाँ पर भी पहुँचेंगे वहाँ पर हम लंच करेंगे. 2 किलोमीटर्स में हम लोग पोल्लाची पहुंच जाएंगे. एंड पेट्रोल पंप्स देखिए, हर जगह पेट्रोल पंप्स है, कोई कमी नहीं है पेट्रोल पंप्स की. दोनों साइड से ट्रक आ रही है एंड रोड्स जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी सी आपको 40 किलोमीटर जहाँ से मैंने आपको स्टार्ट बताया था फ्रॉम पालक्काड 40 किलोमीटर इज गोइंग टू बी लिटिल ऐसा कंजस्टेड. सो यस तो अभी हमने कर लिया है तमिलनाडु में एंट्री एंड यहाँ पर पुलिस चेक पोस्ट है. हेलो पुलिस, सी यू. जैसे हमने एंट्री की थी पोएट तिरुवल्लुवर जी की स्टैच्यू थी. सो यस, तो तमिलनाडु हमने एंटर कर लिया अभी बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो शूट नहीं कर पाई बिकॉज लाइक एक सेकेंड में वो निकल जाता बिकॉज कार में रहते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब तक कैमरा आप ओपन करो तब तक निकल चुकी होती है. सो यस वी हैव एंटर्ड. अभी 3 hours 51 minutes और हमें ट्रेवल करना है. सो अभी हम लोग पोल्लाची पहुंच गए हैं. अभी 3 hours 38 minutes हमें लगने वाला है टू रीच कोडैकनाल. सो अभी 12 बजा है एंड देखते हैं 12-1 बजे तक हम लोग हमारा लंच के लिए कहीं पे हॉल्ट करेंगे. सो दिस इज पोल्लाची सिटी. यहाँ पे टैपियोको चिप्स का दुकान दिख रहा है, छोटा सा स्टॉल. मुझे टैपियोको चिप्स बहुत ज्यादा पसंद है एंड कुछ स्ट्रीट फूड भी दिखाई दे रहे हैं, बज्जीज एंड ऑमलेट वगैरह. तो जैसे ही कोई अच्छा रेस्टोरेंट दिखेगा हम लोग लंच के लिए रुकेंगे. यहाँ से पलनी इज 65 किलोमीटर्स. वहाँ पर मुरुगन स्वामी जो कि कार्तिकेय स्वामी है उनका बहुत ही पॉपुलर टेम्पल है. सो इट्स माई विश कि वहाँ पर भी जाना. वैसे कोडैकनाल जाने के साथ साथ कर सकते थे बट वी डोंट हैव इनफ डेज अवेलेबल तो इसलिए हम उसे अलग से प्लान करेंगे. तो वो मंदिर भी मुझे जाने का बड़ा मन है. सो वील डू इट एंड जब भी करेंगे आप लोग को डेफिनेटली पता चलेगा. काफी सारे विंड मिल्स दिख रहे हैं, आगे भी काफी सारे हैं एंड यहाँ पर ना एक रोड बन रहा है प्रॉपर वाला बट एज ऑफ नाउ हमें सर्विस रोड यूज करना पड़ा बिकॉज आई गेस दिस इज नॉट फंक्शनल एज ऑफ नाउ. अभी आई थिंक काम चल ही रहा है इसका. सो थोड़ा सा यहाँ पर स्लो जाना पड़ रहा है. सिंगल लाइन है एंड कंटिन्यूसली गाड़ियाँ भी आ रही हैं. तो हाँ यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोकोनट ट्रीज एंड विंड मिल. हाँ देखो आगे भी बहुत सारे विंड मिल्स. अगर आपने मेरा मदुरई रोड ट्रिप वाला वीडियो देखा है तो हमने मुन्नार वाला रूट फॉलो किया था एंड उसमें प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज ऑफ मोशन सिकनेस बिकॉज घाट वाला एरिया पूरा. तो मैंने आपको कहा था कि बाय व्हेन वी वर रिटर्निंग वी केम थ्रू पोल्लाची तो वही रूट है ये. और ये फैन इज स्लो स्लो जाता है. तो यही रूट फॉलो करके हम लोग आए थे एंड यस दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज आते समय बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई. एकदम मतलब एंजॉय किया हमने ड्राइव हमारी. से दिखाई दिया एक विंडमिल. ये बहुत सुंदर लग रहा है ये फील्ड. यहाँ पे देखिए कितने सारे विंडमिल्स है. माय गॉड दोनों साइड विंडमिल फार्म बोल सकते हैं. बहुत ही सुंदर लग रहा है. और ये स्टॉप हो गया देखो. कितना सुंदर लग रहा है वो. पलनी. तो अभी जो नेक्स्ट प्लेस आएगा वो है दिंडगल और वहीं पर हम लंच करने का सोच रहे बिकॉज पोल्लाची काफी जल्दी आ गया था तो उतनी जल्दी ना भूख भी नहीं लगी थी. सो वी थॉट कि लेट्स कवर सम मोर डिस्टेंस. तो हम लोग दिंडगल में स्टॉप करने का सोच रहे हैं.
एंड लुक एट दिस रोड, इट्स ऑल क्लीन और बहुत ही अच्छा रोड है. एंड जस्ट लविंग द ड्राइव. आई एम सो हैप्पी कि हमने ये वाला रूट चूज किया, बिकॉज मुन्नार वाले टाइम पे मेरा मूड इतना ज़्यादा खराब था इंटायर जर्नी में. बट दिस रोड इज सो गुड और एवरीबडी विल बी सो कम्फर्टेबल ड्राइविंग हियर. और काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक. एंड अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है. Are you enjoying the drive? Yeah. यू हम लोग कहाँ जा रहे हैं? Cold, cold. Cold, cold. Kodaikanal. मैंने यू को बताया था कि Kodaikanal is going to be very cold और chill place. तो she is very excited. हमने हमारा jacket वगैरह भी पीछे रख दिया है यहाँ पर. And yes, we are eagerly waiting to reach there, right? तो अभी हम लोग पलनी बाईपास रोड पकड़ने वाले हैं थोड़ी देर में. तो अभी यहाँ से सीधा जाएंगे तो इट्स कोयम्बतूर एंड लेफ्ट टूवर्ड्स में लेफ्ट इज दिंडगल. तो ये हमारा पलनी बाईपास रोड है. Kodaikanal के लिए यही रूट फॉलो करनी है, पलनी बाईपास, बिकॉज हम पलनी टेम्पल जाएंगे तो सीधा चले जाएंगे, बट अदरवाइज वी हैव टू फॉलो दिस रूट. तो आइडली यहाँ पे होना तो चाहिए काफी रेस्टोरेंट्स. देखते हैं कुछ अच्छा मिल ही जाएगा. पलनी बाईपास रोड में ये श्री लक्ष्मी भवन हमें दिखाई थे, जहाँ पे रूम्स और रेस्टोरेंट दोनों ही अवेलेबल थी और पार्किंग भी अवेलेबल थी. तो यहीं पर आज हम लोग हमारा लंच करने वाले हैं. एम्बियंस काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा था. यहाँ से हमने एक मशरूम बिरयानी मंगाया है, ये रायता और सालन के साथ सर्व हुई है. और साथ में हमने एक गोभी 65 भी मंगा लिया, ये अनियन और लेमन ऊपर से रखा हुआ है इन्होंने. एंड एक प्लेट परोठा मंगाया है, साथ में इन्होंने कुरमा सर्व किया है. और दिंडुकल डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कभी भी आते हो, कोई भी रेस्टोरेंट हो, छोटा बड़ा कैसा भी रेस्टोरेंट, यहाँ की बिरयानी ट्राई करना मत भूलिएगा. मशरूम बिरयानी दिंडगल स्टाइल की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इसलिए मैंने यहाँ पे मशरूम बिरयानी मंगाया है. एंड साथ में ये गोभी 65 भी ऑर्डर कर लिया था, बिकॉज तमिलनाडु की गोभी 65 एकदम बेस्ट रहती है. तो लेमन स्क्वीज़ कर दिया मैंने ऊपर से एंड अभी गोभी 65 ट्राई करके देखते हैं. एंड एज एक्सपेक्टेड एकदम डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही परफेक्टली फ्लेवरफुल. बहुत बढ़िया बनाते हैं पूरे के पूरे तमिलनाडु पे. मैंने किसी ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया आज तक. सो तमिलनाडु में तो गोभी 65 मस्ट ट्राई है. अब मैं मशरूम बिरयानी ट्राई करने जा रही हूँ. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने दिंडगल में जितने भी मशरूम बिरयानीज खाए हैं आज तक एकदम बेस्ट रहा है, रिगार्डलेस ऑफ कौन सा रेस्टोरेंट से मैंने ट्राई किया हो. तो इसके साथ रायता मिक्स करके बढ़िया खाया एंड दैट वॉज माइंड ब्लोइंग अगेन. सो दिंडगल डिस्ट्रिक्ट में दिस बिरयानी इज़ अ मस्ट ट्राई, बहुत ही बढ़िया होती है. आप मेरे फेशियल रिएक्शन देख के समझ गए होंगे कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ इस दिंडगल बिरयानी की. और गोभी 65 भी एकदम मज़ेदार थी, डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई प्लेस. नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं परोठा विथ कुरमा. तो परोठा इनका सॉफ्ट और अच्छा था, लेकिन ये जो कुरमा है मुझे इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी. तो परोठा एंड कुरमा आप स्किप कर सकते हो बिकॉज, या फिर आप किसी और ग्रेवी के साथ ट्राई कर सकते हो. ये जो कुरमा है ये मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी. सो यस, ओवरऑल इट वॉज एवरेज एंड स्किपेबल, बट मशरूम बिरयानी एंड गोभी 65 वॉज टोटली गुड. तो वी आर डन विद आवर लंच और एकदम जंक्शन पे ही था ये रेस्टोरेंट, ये वाला. एंड लेफ्ट ऑन टू रूम्स भी है यहाँ पर. सेकंड टोटल रोड. अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स Kodaikanal. Kodaikanal 65 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड वी आर गोइंग. तो अभी रोड नैरो हो गए हैं, फिर से सिंगल रोड हो गए हैं. एंड आई गेस अब Kodaikanal तक इसी टाइप का रोड होने का चांसेस है बिकॉज हिल स्टेशन है. और यहाँ से अब बस 2 घंटे में हम Kodaikanal पहुँच जाएंगे. तो आई गेस अब रोड्स थोड़े ऐसे ही नैरो ही रहेंगे. ये रोड देखिए पूरा ट्री से कवर्ड है और एकदम अच्छा लग रहा है ऊपर देखने में. मतलब कहीं कहीं तो एकदम डेंस है इस तरह. यहाँ पर देखिए कितना डेंस है. तो इट्स ब्यूटिफुल. प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन वेलकम्स यू. तो हम लोग Kodaikanal एंटर तो नहीं हुए अभी, अभी घाट वगैरह क्रॉस करना बाकी है, द मोस्ट स्केरी पार्ट फॉर मी. बट यस, यहाँ पे चेक पोस्ट भी आ गया अभी. यहाँ
यहाँ पे आपको केयरफुली ड्राइव करनी पड़ेगी बिकॉज कुछ कुछ टर्निंग्स वगैरह में रोड काफी नैरो है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा. एंड रात को तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी. वैसे मैं कोई भी हिल स्टेशन, आपको घाट वाले एरिया, आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप रात में कवर करें, डे लाइट में ही कवर करिए. डे लाइट में करने के आपको दो बेनिफिट रहेंगे, एक तो सेफ्टी एंड सेकेंड इज लाइक यू कैन एंजॉय दिस ब्यूटी. तो रात को तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा यहाँ पे. सो बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है, एक तरफ यू नो डेंस फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ वैली व्यू. यहाँ से ये व्यू देखिए आप, वाओ. रोड कंडीशन थोड़ा एवरेज मिलेगा आपको मिड एरिया में. लाइक अभी एक घंटा बाकी है हमें पहुंचने में, तो मतलब इतना भी बुरा नहीं है. इट्स नैरो एंड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल इट इज ओके. एंड बट यस, रोड्स काफी नैरो है और काफी सारे ब्लाइंड स्पॉट्स एंड हेयर पिन टर्न्स है, तो जस्ट ड्राइव स्लो, बाकी सब ठीक है. इस रूट में बसेस भी जाती है तो यू हैव टू बी केयरफुल. ओ वाओ, आगे देखिए पूरा क्लाउड, मतलब हम लोग इतने हाइट पे पहुंच गए कि क्लाउड के थ्रू हमें जाने को मिलेगा. जस्ट लुक एट दिस व्यू. वेट, अभी थोड़ा टाइम है, मैं आपको दिखाती हूँ. या आई होप यू कैन सी दिस. हमने विंडोज भी खोल दिए हैं कार की, बिकॉज बहुत ठंड भी है बाहर और बहुत मजा भी आ रहा है. बहुत मजा आ रहा है. बाहर का टेम्परेचर इज 20 डिग्रीज नाउ. वाज एंजॉयिंग द ड्राइव. ठंडी लगी है. आप देखिए काफी नैरो है और इसमें से आप सोचिए बसेस भी आ जाएंगी ऑपोजिट डायरेक्शन से. दोनों तरफ से ट्रक आ रही है एंड अब थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है. वी विल हैव टू गो वन बाय वन. देखिए इतना ही स्पेस है एंड इट्स लाइक क्लोज. कीज, मंकीज एवरीवेयर. काफी सारे मंकीज दिख जाएंगे आपको यहाँ पे. देखो मुझे नहीं दिख रहा है. अभी आएगा ना, दिखाते तुमको. यहाँ पे लिखा है डीप वैली एंड नैरो रोड, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इससे भी ज्यादा नैरो हो जाएगा तो क्या हाल होने वाला. बट नो डाउट द ड्राइव इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. रोड भी मतलब फेयरली गुड है ना, मतलब ऐसा बहुत कम स्ट्रेच है जहाँ पे आपको दिक्कत होगी. दिक्कत भी नहीं होगी इनफैक्ट, लाइक इट्स लाइक अ स्मॉल झटके बस, दैट्स इट. बट इतना बुरा नहीं है. ये गाइस कितना फॉग भरा हुआ है. वाओ, लविंग दिस. बहुत मजा आ रहा है. अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो कोडिकनाल पहुंचना बाकी है. रोड ट्रिप में इतना एंजॉय कर. बस 3 बजे हैं एंड लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल. अभी बस 1 घंटा बाकी है पहुंचने में एंड माइंड ब्लोइंग व्यू गाइस. मतलब रोड ट्रिप ही इतने मजेदार रहेगी अगर, तो सोचिए कोडिकनाल में जब हम प्लेसेस एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे. ओह गॉड, विजिबिलिटी इज सो लो. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल गाइस, बट सारे व्हीकल्स डिसिप्लिन ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं फेस किया हमने. जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर ड्रॉपिंग. अभी 17 डिग्रीज हो चुका है, तो आई गेस ऊपर पहुंचते तक और ड्रॉप हो जाएगा. सो यस, आई एम सो एक्साइटेड. लुक एट दिस, कुछ भी यू नो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो है. अभी काफी स्लो जाना पड़ रहा है, बट मेमोरेबल रोड ट्रिप. अब थोड़े छोटे छोटे मार्केट्स एंड शॉप्स वगैरह दिखने लगे. पर 60 रुपीज एंट्री फीस लगी है हमें कोडिकनाल के लिए. फर्स्ट टैग है यहाँ पे, तो यू डोंट हैव टू वरी. वाओ, ओह मैन, दिस इज कैस्केड फॉल्स. जैसे ही आप एंट्री गेट क्रॉस करोगे कैस्केड फॉल्स आपको दिखाई देगा एंड सो ब्यूटीफुल गाइस. दैट इज वन पॉइंट. आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो और यहाँ पे बज्जी पकोड़ा, स्वीट कॉर्न, मैगी सब कुछ मिल रहा है, तो खा पी कर एंजॉय कर सकते हो. पार्किंग आप ऐसे रोड के एज में कर सकते हो. एंड यस, द फॉल वॉज रियली ब्यूटीफुल. हम लोग एज ऑफ नाउ रुक नहीं रहे, अभी रूम जाएंगे. एक्चुअली यहाँ पर भी पेट्रोल पंप्स है,
पेट्रोल की तो आपको एंटायर जर्नी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो हम लोग कोडिकनाल रीच हो गए हैं। कोडिकनाल लेक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्टी डेस्टिनेशन है, उसी के पास हमारा स्टे है। इट्स अ हॉलीडे होम, सौरभ की कंपनी का है। तो अभी हम लोग हॉलीडे होम के अंदर आ गए हैं और अच्छा खासा रिलैक्स कर लिया, चाय वगैरह पी ली एंड थोड़ा सा कैरम वगैरह खेल रहे थे अभी हम लोग। एंड दिस इज द हॉलीडे होम। मैं वैसे रूम टूर नहीं दे रही हूँ बिकॉज ये हॉलीडे होम्स ओनली एम्प्लॉयज के लिए है, तो अगर मैं आपको दिखा भी दूँ तो इट वोंट बी ऑफ एनी यूज टू यू। बट इंस्टेड मैं कुछ होटल्स के रिकमेंडेशंस नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी अच्छे होटल्स हैं और मुझे पता हो तो आप वो चेक कर सकते हैं। कमिंग ब्लॉग्स में आपको कोडिकनाल के प्लेसेस टू विजिट, प्लेसेस टू ईट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो मेक श्योर करना कोडिकनाल का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ऑल्सो मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी ताकि आपको कोडिकनाल, मेरे चैनल में अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाओगे तो हर प्लेस का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल माथेरान प्लेलिस्ट, महाबलेश्वर प्लेलिस्ट, और मतलब बेसिकली मैंने जो भी सिटीज विजिट किए हैं हर चीज, हर सिटी का प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आपको सारे मतलब उस पर्टिकुलर सिटी का प्लेसेस टू ईट, प्लेसेस टू विजिट सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो यू कैन चेक दैट आउट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आज का रोड ट्रिप का व्लॉग आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो मेक श्योर करना हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करिए, एक छोटा सा कमेंट भी मिले नीचे छोड़ के जाएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हर सैटरडे ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।